आप सभी को नमस्कार। माई सेल्फ पवन प्रजापत, प्रिंसिपल टेक्निकल कॉलेज। और अगर मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो आप चैट बॉक्स में एक मैसेज जी ड्रॉप कर सकते हैं, लेट एकदम अस सही प्लीज। है, आप कंटिन्यू कर सकते ओके हैं। ओके, थैंक यू संदीप जी। तो आई थिंक मेरा बोर्ड भी प्रॉपर दिख रहा है, सही दिख रहा होगा आप सभी लीडर्स को। ओके थैंक यू। तो सबसे पहले तो आज जो अंबे की 25वीं वर्षगांठ है इंडिया के अंदर सेलिब्रेट करें आज के दिन, और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज से इसका मैं पार्ट बना हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लीडर्स को। जो 25वीं अपनी सेलिब्रेशन है आज के दिन, 5 मई को हुई, अपनी ओपनिंग हुई थी इंडिया के अंदर, तो बिल्कुल। और जो अपना डीआरडी स्किल डेवलपमेंट का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, और उसके लास्ट पड़ाव के अंदर आज हम लोग हैं, और उसकी जिम्मेवारी भी क्लोजिंग की आज मेरे को ही मिली है। तो थैंक गॉड, उस सेशन को भी अपने जबरदस्त करेंगे। बट उसके पहले जितने भी लीडर्स के पार्ट रहे हैं वो सभी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उनको पार्टिसिपेट किया है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने हर एक टॉपिक के बारे में डीपली अपने को बताया है। तो सभी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग जिन्होंने भी इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया है। जैसा कि दीप सर बता रहे थे कि अपने को उम्मीद से भी ऊपर उन सभी लीडर्स ने जो प्रोग्राम किए हैं वास्तव में काबिले तारीफ है और लाजवाब है। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरे मिसेस 1 मिनट बात करेंगे। वेलकम। आप सभी को नमस्कार। मैं मलेशिया फुटबॉल से बात कर रही हूँ, और मैनेजमेंट में दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिजनेस करने का जो रीजन है वो अपने लाइफ को चीजें ना, और बच्चों के जो ड्रीम पर। तो आज का जो टॉपिक है टीम इन एक्शन जॉन, मतलब टीम अपने कैसे बनाते हैं वो सर। थैंक यू। ओके थैंक यू मैम। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं टॉपिक के अंदर, और वो है टीम इन एक्शन जोन। अभी से पहले जितने भी टॉपिक्स थे उसमें अपने को सभी लीडर्स ने बताया कि अम्बे बिजनेस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बात करें इस बिजनेस की, जिसमें ऑलरेडी हम हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ अपने प्लग हैं और जिस अपॉर्चुनिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसका एक मेन पर्पज ये है कि अपने एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, और इसमें नेटवर्क का इतना इम्पोर्टेंस है कि उसी की बदौलत ही इस बिजनेस के अंदर अपने कामयाब होने वाले हैं। अब नेटवर्क कैसे बनेगा, कैसे उस नेटवर्क को अपने को बिल्ड करना है, और कैसे उस नेटवर्क को एक्शन जोन में लेके आना है, ये जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक शानदार कोर्स पढ़ा था, उसके अंदर लिखा था कि अगर अकेले हम इस बिजनेस के अंदर हैं तो एक पानी की बूंद के समान है, और अपने साथ अगर टीम है तो ये पूरा पूरा बिजनेस समुद्र है। और बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जितनी बड़ी अपनी टीम होगी, जितना बड़ा अपना नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा इस बिजनेस के अंदर अपने आगे तक जाने वाले हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली टीम का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे कि एक टीम होती है, जैसे मैं बाद में अभी रिसेंटली मैं बात करूँ तो आईपीएल चल रहे हैं, उनके अंदर भी एक टीम है, बहुत सारी टीम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, अलग अलग टीमें उनमें खेल रही है। और उसमें बहुत टीम का एक मेन पर्पज क्या होता है, अपने जैसे एक चीज होती है, एक होती है भीड़ जिसको अपने क्राउड बोल देते हैं, और एक होती है टीम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो सब अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो अपने मार्केट में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक साथ एकजुट होते हैं जिसको अपने भीड़ बोल देते हैं, क्योंकि भीड़ का कोई एक फिक्स टारगेट नहीं होता है, फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। बट टीम की क्या होती है कि एक डायरेक्शन होती है, एक उनका टारगेट होता है, एक उनका गोल होता है। जैसे अपने आईपीएल मैच में भी टीम पार्टिसिपेट करी उनकी बात में, उनका एक फिक्स टारगेट है कि उसमें अपने को विनर होना है। जब हम टीम में काम कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जैसे अपने बात करें कि कोई बैट्समैन बढ़िया चल रहा है, कोई बॉलर बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहा है, या कोई फील्डर की बात करें, फील्डर बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सारे मिलके क्या करते हैं कि उसमें गेम को एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करने के साथ साथ में उसको विजेता भी बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ अपने टीम है। अगर टीम की मैं बात करूँ, टीम जैसे में टुगेदर एवरीवन और अचीव मोर, इसका बेसिकली एक सिंपल सा वर्डिंग हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत कुछ अपने अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और टीम अपने को बनाना है तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले तो सिंपल बेसिक काम अपने को करने होते हैं। आप सभी लीडर्स हैं, आपको ध्यान में होगा कि अपने को अगर टीम बिल्ड करनी है और टीम बनानी है तो उसके लिए जो सिंपल बेसिक बेसिक काम होते हैं वो अपने को करने होते हैं। और बेसिक काम क्या होते हैं, वो होते हैं फोर बेसिक। अब फोर बेसिक करेंगे तो उससे क्या बनेगा, देखो एक्शन जोन में आने से पहले टीम को समझना जरूरी है कि टीम कैसे बनेगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। टीम बनाने के लिए क्या क्या काम करेंगे अपने, और वो इंपॉर्टेंट क्या है कि फोर बेसिक, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अपने फोर बेसिक यानी सिंपल काम करने होते हैं। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट इसके ऊपर अपने टॉपिक को रखेंगे कि फोर बेसिक क्या होते हैं। फोर बेसिक के सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लिस्ट चेक करते हैं, जैसे अपने खुद
की बात करें, हमने एक लिस्ट को बिल्ड किया, अच्छे से उसको मेंटेन करते हैं, और पर डे उसके अंदर क्या करते हैं कि एक नाम को अपने ऐड करते जाते हैं। अब उसमें लिस्ट में नाम लिखने के बाद में क्या करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट एंड उनको इनवाइट करते हैं। इसमें काफी कुछ आपको नॉलेज में होगा, काफी चीजें आपको ध्यान में होगी। तो कॉन्टेक्ट को इनवाइट करने के बाद में उनको क्या करते हैं, एसटीपी स्टोरी प्लान, अब प्लान सेट करेंगे, और प्लान सेट करने के बाद में उनका क्या करते हैं, फॉलोअप का मतलब उनका एक डिसीजन करवाते हैं इस बिजनेस के अंदर। और ये जो चार काम करने से अपने को क्या होता है कि यहाँ से एक टीम होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी अगर टीम बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कोर बेसिक काम है ये अपने को करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल, लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट इन्वाइट किया, प्लान बनाया, फॉलोअप किया। अब इसमें क्या है, पहले अपने साथ कुछ लोग ऐड होंगे, कुछ लीडर्स अपने साथ आएंगे, और जैसे जैसे इस काम को अपने रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे टीम क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला कि जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा अपना टर्नओवर, और उतना बड़ा इस बिजनेस के अंदर अपनी को सक्सेस मिलने वाली है। तो बिल्कुल फोर बेस करेंगे तो यहाँ से अपनी टीम बनना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद ये अपनी टीम इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बात करते हैं अपने एक्शन जोन की। अब एक्शन जोन की अगर बात में, अब टीम को अगर बिजनेस के अंदर टिकाई रखना है और उसको एक्शन जोन में लेके आना है, तो क्या नाइन होते हैं उनको अपने को पूरा करना पड़ेगा। अब नाइन गोल स्टेप्स क्या होते हैं वो भी डेफिनेटली आप सभी लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद इस मीटिंग के अंदर, आपको सभी को पता होगा, बट सिंपल एंड शॉर्ट को अपने जानकारी लेंगे कि नाइन गोल स्टेप क्या होते हैं। देखो अपना क्या होता है कि बिजनेस के अंदर सिस्टम है, और एक मेरी बुक्स के अंदर लाइन पढ़ी थी कि सिस्टम के पीछे, सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता, सफलता के पीछे एक सिस्टम जुड़ा होता है। और वही सिस्टम क्या है कि यहाँ पर अपने पास नाइन कोर स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ बुक्स अपने सिस्टम के द्वारा दी जाती है, उनको अपने रीड करते हैं, फिर कुछ सीरीज होती है उनको अपने सुनते हैं, और जितनी भी मीटिंग्स होती है उनको अपने अटेंड करते हैं, तो अपने को पता चलता है कि किस लेवल का, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ अपने काम कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट शेयर कर रहे होते हैं, प्लान लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो वहां से जो पीवीए अपने जनरेट होते हैं, उसके बाद अपने टीचेबल होते हैं, सीखने का जुनून होता है अपने अंदर, अकाउंटेबल होते हैं और रेगुलर काउंसलिंग में रहते हैं। ये नाइन कोर के स्टेप होते हैं, अगर वो अपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो अपने खुद इस बिजनेस के अंदर बिल्ड हो रहे होते हैं। अब बात आती है टीम की, अपने सबसे पहले अगर टीम को एक्शन जोन पे लेके आना है तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, और खुद पे काम करने के लिए क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले एक लीडर बनना पड़ेगा। और लीडर बनने के लिए क्या करना होगा कि लीडर के लिए अपने को जितने भी अपने जो अप्लाइंग मेंटर्स हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से जिससे अपने जुड़े हैं, उनकी जो गाइडेंस अपने को मिल रही है उससे जुड़ कर अपने को हमेशा क्या करना है कि सीखते रहना है, और वो जैसे जैसे अपने साथ वर्किंग करते जाए वैसे वैसे उनसे अपने वर्क करते जाना है। तो वहां से क्या है कि लीडरशिप अपने अंदर आती जाएगी। अगर अपने को लीडर बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना इस बिजनेस के अंदर एक ड्रीम हो, एक टारगेट हो, और वाई अपना क्लियर हो। इस बिजनेस के अंदर हाउ यानी जाना कैसे है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका वाही क्लियर है तो आपकी टीम भी बनेगी, टीम भी आपकी एक्शन जोन में आएगी, वो सारी चीजें आपको अचीव होगी जो इस बिजनेस के अंदर आपको मिलने वाली है, और आपने स्टार्टिंग के अंदर एक जो टारगेट बनाया था इस बिजनेस के अंदर, तो ये सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, वो सारी आप अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक लीडर बने, और लीडर बनने के लिए नाइन कोर स्टेप है उसको बखूबी अपने को निभाना है। अब अपनी टीम बनना शुरू हो जाएगी, सबसे पहले अपने को क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, अपने जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे जुड़ के अपने को सीखते जाना है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है कि अपने को पर्सनल जो स्पॉन्सरिंग है वो करना शुरू करना है। अब पर्सनल जो स्पॉन्सरिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने को क्या करना है कि टीम को बहुत बड़ा लेके जाना है, तो उसमें पर्सनल जो स्पॉन्सरिंग है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके लिए क्या करना है कि आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में जैसे ही नाम लिखना शुरू किए हैं उनको वन बाई वन आप उनको नर्चर करना शुरू कर देते हैं। नर्चर करने का मतलब उनसे हम मिलना शुरू कर देते हैं, हाय हेलो शुरू करना शुरू कर देते हैं, उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, उनसे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। अब उनसे जैसे ही अपने कॉन्टेक्ट स्टार्ट हो गया तो उनके बाद क्या किया कि उनको जैसे ही टाइम सेट हो गया उसके बाद उनको आपने प्लान शो कर दिया। अब प्लान शो करने के बाद उनको एग्री करके, एग्री करने के बाद में उनको आप टीम में ले आए। अब सही मायने में देखें तो अभी आपका काम शुरू होता है, क्योंकि तो आप खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को बदल रहे हैं, अब आपकी टीम बनना शुरू हो गई है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई, क्योंकि आपके साथ आपकी टीम जुड़ने जा रही है। अब आपका टारगेट खुद का जो पर्सनल है वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता, इम्पोर्टेंट ये रह गया कि आपके साथ जो लीडर कनेक्ट हो रहा है वो उसका वाई क्या है उसको क्लियर करना आपका एक उद्देश्य हो जाता है, आपका एक टारगेट हो जाता है। अब टीम पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपने कर ली, अब टीम आपके साथ आना शुरू हो गई, अब उनको क्या करना है कि एक्शन जोन में लेके आना है। एक्शन जोन का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिजनेस में सबसे ब्यूटी क्या है,
बिजनेस की, कि अगर अपने सिंगल रहते हुए इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो अपने कामयाब नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि टीम हो, और टीम भी कौन सी, जो आपकी एक्शन जोन में हो, जो आपके लिए एक्शन कर रही हो, क्योंकि टीम के एक्शन करने से ही आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस मिलने वाली है। अब उसके एक्शन करने के लिए अपने को क्या करना होगा, वही चीजें वापिस रिपीट करनी है जो आपकी अप्लाइंग मेंटर ने आपके साथ इस बिजनेस के अंदर की थी। इस तरीके से सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे ही आपकी टीम के अंदर एक नया लीडर कनेक्ट होता है, ज्वाइन करता है, तो उसके जस्ट बाद उसके साथ क्या क्या ऐसे काम करने होते हैं कि जिससे वो जल्दी से जल्दी फास्ट स्पीड के साथ वो एक्शन जोन में आ जाए, तो उसके लिए वही चीज और बेसिक और 9 कोड अपने रिपीट करने हैं। पर उसके अलावा भी कुछ एक जरूरी काम और है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और वो भी करने के लिए जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करें, अपनी जो अपनी वैसे तो अपने डीआरडी टीम के अंदर बिलोंग करते हैं, तो अपने जो अप्लाइंग मेंटर हैं उन्हें देखो भी अपने को 12 पॉइंट्स जो बता रखे हैं, अगर उनको प्रॉपर वे से अपने फॉलो करें तो बिल्कुल डेफिनेटली उनको अपने एक्शन जोन में लेके आ सकते हैं, और स्पीड भी उनकी मेंटेन रख सकते हैं, काफी ग्रो भी कर सकते हैं अपने। पर उसके अलावा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अपने उनके प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपने पास एक यूनिक प्रोडक्ट आ रहे हैं, यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहे हैं कि अगर वो यूज करेंगे तो उनका जो फेथ है, विश्वास है, उनका बिल्ड होगा। अब प्रोडक्ट यूज करने से उनको वास्तव में पता चलेगा कि मार्केट से डिफरेंट आ रहा है, जैसे अपने होम शॉप का कॉन्सेप्ट भी होता है, वो भी उनके ऊपर अपने डिस्कस करें तो वो होम शॉप करेंगे तो उस पर भी वो शिफ्ट हो जाएंगे। मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको वो बायकट करके और अपने जो अम्बे के प्रोडक्ट आ रहे हैं वो यूज करेंगे, क्योंकि जब तक अपने प्रोडक्ट को टच एंड फील नहीं करेंगे तब तक अपने को फेथ नहीं आएगा, अपने लोगों से बात नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आपकी टीम के साथ एक नया लीडर कनेक्ट होता है तो डेफिनेटली सबसे पहले उनके घर में जितने भी प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस करें, अपने जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके यहाँ शिफ्ट करें, वो प्रॉपर तरीके से डेमोस्ट्रेशन के साथ उनको ये बताएं कि प्रोडक्ट यूज कैसे करने हैं। अब जैसे ही वो प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे तो उनको वास्तव में लगेगा कि हाँ जी ठीक है, इसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी तो है, दम है, अपने को यूज करना चाहिए। धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर लोगों से बात करना शुरू कर देंगे, डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी ठीक है, हमने ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्रोडक्ट आ रहे हैं, हमने यूज किए हैं, वास्तव में मार्केट से डिफरेंट प्रोडक्ट है, इसमें कोई डेंजरस आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, ट्रिपल ही है, वो सारी चीजें उनको पता चलेगी और वास्तव में वही विश्वास उनका आगे ट्रांसफर हो रहा होगा। उसके बाद प्रोडक्ट यूज करने के बाद में अब उनके साथ मिलकर अपने को काम करना है, और काम किस तरीके से करना है, काम के लिए अपने जो सिंपल सा प्रोसेस है, अगर ज्यादा कुछ नहीं समझ में आए तो आप उस चीज को फॉलो कीजिए जो आपके अप्लाइंग मेंटर ने आपके साथ की थी, वही प्रोसेस क्या करना है। देखो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आपके अप्लाइंग मेंटर जो आपके साथ प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं वही आपने क्या करना है, आपकी टीम के अंदर जो नया लीडर आ रहा है उसके साथ प्रोसेस आपने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, अप्लाई करते रहना है। अब प्रोडक्ट यूज करने के बाद में अपने को क्या करना है, वही फोर बेसिक कॉन्टेक्ट लिस्ट अपने को बनानी है, उसके अपने को पूरे सिस्टम के साथ प्लग कर देना है। बीच में एक चीज जरूरी हो जाती है कि अपना जो सिस्टम रिकमेंड कर रहे हैं उसके साथ उस लीडर को कनेक्ट किया जाए। अपना सिस्टम क्या है, जितनी भी बुक सीडी मीटिंग्स हैं, जो अपने टूल्स आ रहे हैं इस बिजनेस के अंदर, वो उन तक प्रोवाइड करवाई जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें इम्पोर्टेंट ये हो गया कि टीम को लाना आसान है, पर उसको डुप्लीकेट करना और एक्शन जोन में लाना कुछ हद तक मुश्किल हो जाता है अगर प्रॉपर डायरेक्शन में और प्रॉपर तरीके से उनके साथ काम ना किया जाए। हालांकि आपने देखा भी होगा, अपने अपने ग्रुप पे आपने देखे होंगे और चेक भी किए होंगे कि अपने को जब प्लान कर रहे होते हैं तो नए लीडर्स की भर्ती तो हो जाती है, नए लीडर्स अपने साथ आ तो जाते हैं, बट वो प्रॉपर वे से या प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अगर काम करें एक्शन जोन में रहते हुए, तो वही लीडर्स आपके साथ मिलके एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर लेंगे, बहुत बड़ा आपका ग्रुप बनेगा और बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बन जाएगा। तो हर एक लीडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ प्रॉपर डायरेक्शन के साथ एक काम किया जाए। तो जैसे ही कहने का मतलब ये कि नया लीडर आपकी टीम के साथ कनेक्ट करे तो आपके ग्रुप का जो सिस्टम है उसके साथ उसको प्लग कर दिया जाए, उसके साथ उसको अटैच कर दिया जाए, उसके सिस्टम के साथ उसको ज्वाइन कर दिया जाए। डीआरडी टीम के अंदर अपने बहुत सारे जो सिस्टम चल रहा है, या एमडीएस टीम का जो सिस्टम चल रहा है, वास्तव में काबिले तारीफ है, लाजवाब है। तो ये अपने मीटिंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनके साथ अपने कनेक्ट करें उनको, और जो अपने सिस्टम की रिकमेंड की हुई बुक्स हैं, और वैसे भी एजुकेशन सिस्टम अपना जो गुरुकुल है वास्तव में लाजवाब है, गुरुकुल सिस्टम से उनको प्लग किया जाए। कुछ जल्दी से जल्दी वो लोग क्या करेंगे कि नए लीडर्स उनको ज्यादा ध्यान में नहीं होता है, बट सिस्टम से प्लग करवा दिया, इसका मतलब क्या है कि वो वहां से सीखना शुरू कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप वो सीखते भी जाएंगे वहां से। तो ये चीज, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक टॉपिक और है, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें और है।
अगर उनको अपनी बात करें तो उसकी लिस्ट बनाने के बाद में उनके साथ अपने को सही वर्किंग स्टार्ट करनी है, और सही वर्किंग स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, उनके साथ फील्ड एक्टिविटी अपने को करनी होगी। फील्ड एक्टिविटी करने के लिए क्या करना होगा अपने को, सबसे पहले अपने उनकी लिस्ट के ऊपर चेक करना है अपने को कि कौन कौन से लीडर लोगों के नाम इन्होंने लिखे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके साथ अपने किस लीडर के साथ पहले अपने को काम करना चाहिए। वो उनकी लिस्ट पे अपने काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि उनको अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस प्लान के अंदर अपने बखूबी एक वर्ड लिखते हैं कि इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा रहती है, यानी हेल्प बहुत ज्यादा रहती है। तो वो हेल्प अपने को करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम लीडर हैं, अपनी टीम बन रही है, और टीम कब काम करेगी, जब अपने खुद उनके साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि उनके साथ फील्ड एक्टिविटी करें, फील्ड में जाएं, लोग उनके साथ जाएं, उनकी लिस्ट पे काम करें, उनके साथ अपने प्लान शेयर करें। जब उनके साथ जाएंगे, जब उनके लिए अपने काम करेंगे, तो उनको फेथ आएगा, विश्वास आएगा कि वास्तव में हमारे जो मेंटर हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे लीडर हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वास्तव में एक शानदार अपने को, ओके थैंक यू। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे कि तो उनकी टीम को निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल आज मेरे को शॉर्ट पार्ट मिला, तो मैं जल्दी से कवर करने की कोशिश करूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत है, दो पार्ट में भी कंप्लीट करना चाहेंगे तो भी नहीं हो पाएगी। तो उनके साथ अपने क्या करेंगे, उनकी टीम बिल्ड करवाना शुरू कर देंगे। अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखना शुरू कर दिया, प्लान सीखना शुरू कर दिया, डेमोस्ट्रेशन सीखना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग के अगर 10 प्लान भी अपने उनके साथ मिलकर करेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट होना शुरू हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अपने टीम लीडर्स को डुप्लीकेट करना। अब डुप्लीकेट दूसरी तरीके से करना है कि अपने उनके साथ जाएं, फील्ड एक्टिविटी करें, कोई भी अपने को हेल्थ वर्कशॉप करनी है, बिजनेस प्लान करना है, फॉलो अप करना है, कोई अपने को वर्कशॉप करनी है, एप्सा के लिए वर्कशॉप करनी है, वो सारी चीजें उनके साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो भी देखेंगे कि वास्तव में इस तरीके से ये चीजें होती है। अगर सिंपल अपने कहते रहेंगे ठीक है आज आपने अपनी लिस्ट में जाके क्या करना है कि उस प्लान बंदे को अपने प्लान दिखाना है, उस व्यक्ति के साथ जाके आपने क्या करनी है वर्कशॉप करनी है, तो वो नहीं करेंगे जब तक अपने खुद उनके साथ जाके नहीं करेंगे। तो बिल्कुल उसके बाद बात एक में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा। तो अपने एक डायमंड लीडर है प्रेमवत जी की मैं सीरीज सुन रहा था, और वास्तव में बहुत शानदार उन्होंने मैसेज दिया था कि अपने खुद भी जो पर्सनल स्पॉन्सरिंग है उसको इंक्रीज करें, और पूरी की जो डायमंड के लिए अपनी जो लेग सही है 6 टीमें उनके साथ अपने मिलकर काम करेंगे। और दूसरा ये कि जितनी फास्ट एक्टिविटी अपने करेंगे फास्ट मोमेंटम आएगा टीम के अंदर, और जितने भी लीडर अपने साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो भी फास्ट मोमेंटम के साथ में एक काम करेंगे, एक मिशन के साथ काम करेंगे वो सारे लीडर्स। तो अपने क्या है कि जो 6 टीमें अपनी काम कर रही होती है, किसी टीम के अंदर अपने प्लान कर रहे होते हैं, दूसरी लेग के अंदर अपने क्या कर रहे होते हैं कि उसकी काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, तीसरी लेग के अंदर अपने हेल्थ वर्कशॉप कर रहे होते हैं, चौथी लेग के अंदर अपनी एप्सा की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, पांचवी लेग में अपने फॉलो अप कर रहे होते हैं, और छठी लेग के अंदर एक लीडर को अपने डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। तो फास्ट फास्ट एक्टिविटी जब हर टीम लेग के अंदर अपने कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन फास्ट होता है, जो नए लीडर्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से हमेशा क्या रखना है कि एक मोटिवेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ अपने को क्या करना है, अपनी टीम को एक्शन जोन में रखना है। तो जितना जल्दी हो सके अपने नए लोगों को डुप्लीकेट करें, उनको टीम के अंदर लेके आए, और वास्तव में अभी जो 7 मई को प्रोग्राम हो रहा है काबिले तारीफ बहुत जबरदस्त हो रहा है, उसमें अपनी टीम को लेके जाएं। कोशिश ये करें, कोशिश नहीं मतलब ये कहूंगा कि आपकी जो 6 की 6 टीम है उस प्रोग्राम में जाएं, वहां से वो डुप्लीकेट होगी और शानदार लीडर निकल के उस टीम से आके आएंगे। तो बिल्कुल आज मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे शॉर्ट एंड स्वीट के लिए, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने के लिए, बट ओके मैं काफी कुछ हमारे जो मेंटर्स हैं आज की टीम में कनेक्ट है, और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे जो मेंटर ऑफ द मेंटर है वो भी आज इस मीटिंग के अंदर कनेक्ट है, तो उनसे भी हम सुनेंगे कुछ टिप्स, कुछ प्रोग्राम के बारे में और कुछ जानेंगे अपने। तो ओके थैंक यू, आज का जो मेरा पार्ट था इसको यही क्लोज करता हूँ। ओके थैंक यू, बैक टू होस्ट।